वहीं बस्तर में धर्मांतरण को लेकर नक्सलियों ने जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के दो नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। नक्सलियों के जारी पोस्टर में कहा गया है कि धर्मांतरित लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को नक्सल संगठन सबक सिखाएगा। नक्सलियों के पोस्टर में जनप्रतिनिधियों से गांव में बैठक कर धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को लड़ाने पर रोक लगाने को भी कहा गया है। नक्सलियों के इस पोस्टर और बैनर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में दहशत का माहौल है। तो बस्तर में धर्मांतरित लोगों को परेशान करने के खिलाफ नक्सलियों के बैनर पोस्टर को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की सरकार जांच कराएगी। बस्तर में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी का नहीं बल्कि सामाजिक है। अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा, उसको लेकर के सामाजिक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो। न्यायिक जांच होगी, पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी। और उधर सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बस्तर में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लून भराटू अभियान के तहत नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो गए। हिंसा का रास्ता छोड़कर ये सभी नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं।